जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी अकेडमी सीतापुर फिजिकल अकेडमी। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का लखनऊ रेलवे स्टेडियम में इन लोगों का फिजिकल लगा था। ये लोग अभी फिजिकल दे के आए हैं। ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे कि वहाँ पर कैसे इन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। तो पहले आप आ जाइए। आपका क्या नाम है? रवि। रवि कुमार कहाँ से हैं? हम भाई हमीरपुर से हैं। हमीरपुर स्टेट कौन सा? यूपी से। तो जब आप फिजिकल देने गए तो आपको कितने बजे लाइनअप कराया? हम जो 8 बजे लाइन में लग गए थे जी, 8:30 बजे अंडरग्राउंड में। रिपोर्टिंग टाइम क्या था? 8 बजे। 8 बजे लाइन में कितनी देर लगना पड़ा आपको? हम लाइन में समथिंग आधा घंटा तक लाइन में रहे। आधे घंटे लाइन में। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हुई? ग्राउंड के अंदर हो गए तो डॉक्यूमेंट चेक हुआ, यानी कि आधार आए, एडमिट कार्ड चेक हुआ। हाँ, के बाद अंदर प्रोसेस होती रही। अंदर प्रोसेस में समथिंग 1 घंटे का समय लग जाता है। 1 घंटा टाइम लग गया। हाँ, अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हुई? यानी कि एडमिट कार्ड, आधार चेक किया, फोटो वोटो मैच किया, उसके बाद वेरीफाई किया। वेरीफिकेशन के बाद बोरी वाले कार्यक्रम हुआ। अच्छा, बोरी। हाँ। जब बोरी वाला कार्यक्रम हुआ तो बोरी उठाने में कोई असुविधा तो नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठ के आराम चले जाते। बोरी काहे की बनी? ये बोरा है। हाँ, बोरा है जूट वाला, लगता नहीं उठाने में, आराम से उठा के ले जाता। अच्छा, जब बोरी उठाया तो उसके बाद कितना टाइम दिया आपको? 2 मिनट का समय होता है, लेकिन आराम से उठा के 2 मिनट के पहले ही। नहीं, वो बोरा रखने के बाद, बोरा वाला जो फिजिकल है वो क्वालिफाई करने के बाद रेस्ट टाइम कितना दिया? रेस्ट समथिंग 20-25 मिनट का रेस्ट मिल जाता है। 20-25 मिनट का? हाँ, क्योंकि वो अगला बैच दौड़ता रहता है। टाइम बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, आराम से दौड़ निकल जाती है। और फिर उसके बाद आपकी रनिंग हुई जी, आप रनिंग टाइमिंग पहले क्या थी बताएंगे आप? जी, हमारा जो तो ग्राउंड में 4:10, 4:15, कभी कभी 4 के अंदर ही आ जाता था। अच्छा सर, ग्राउंड में कभी रोड में जो है तो 4 के अंदर ही आ जाता था। अभी उम्मीद क्या की थी? ये है कि हम 4 के पहले हमारी रिजल्ट आ जाएगा। 4 के अंदर? अरे वाह, वेरी गुड, धन्यवाद। आप कहाँ से? सर, मैं ग्वालियर से। ग्वालियर अभिषेक रावत है। अभिषेक रावत जी, थोड़ा नज़दीक आ जाओ जी। भैया बताइए। सर, मेरी टाइमिंग थी 10 बजे का, रिपोर्टिंग टाइम था मेरा 10 बजे। हाँ, तो हम यहाँ पे आ गए थे। लाइन अप कितने बजे हुई थे आप? लाइन में हम 8:30 बजे लग गए थे। 8:30 बजे। अच्छा, उसके बाद अंदर जाते टाइम हमको 10:30 हो गए थे। 10:30। बहुत बड़ी लाइन है, लगभग 1500 लगी थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई, सबसे पहले हमारा लगेज साइड में करवा दिया उनने। अच्छा, बैग अंदर नहीं ले जाने देते? बैग अंदर ले जा रहे हैं, फिर वहाँ पे साइड में रखवा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ग्राउंड तक ले जाने देते हैं? ग्राउंड तक ले। पानी वगैरह? पानी वगैरह सब अंदर है। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक वगैरह कोई ले जाना चाहे? ले जा सकते हैं, पी सकते हैं, और टॉयलेट वगैरह सब है अंदर। अच्छा, कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्योंकि जो बाहर से लोग आएंगे तो उनको पता होना चाहिए, है ना। और क्या प्रोसेस हुई? बस पहले हमारा लगेज साइड में दिया उनने, फिर बायोमेट्रिक हुआ सबसे पहले, उसके बाद जो चेस्ट नंबर लगाया उन्हें, चिप लगाई दोनों पैरों में। हाँ, चिप के बाद हमको बोरी के लिए भेज दिया गया। और बोरी अच्छी है, साइड से सिली है, पकड़ भी बन रही है उसमें। ग्रिप अच्छी है? ग्रिप अच्छी है, जूट की बोरी है। बोरी जमीन पर रखी मिलती है या मेज पे? नहीं, मेज पे रखी है। और बोरी के ऊपर बोरी है तो बहुत आसानी से उठ जा रही है 100 मीटर। बोरी के बाद 10-15 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको रिस्क के लिए। 10 से 15 मिनट? 10 से 15 मिनट रिकवरी टाइम काफ़ी है। हाँ, रिकवरी टाइम काफ़ी है। उसके बाद वो लाइन बना रहे हैं, तो इकट्ठे कम से कम 30 या 40 लड़के एक साथ छोड़ रहे हैं, एक एक करके पारी। अच्छा, ये बताइए जब वहाँ पर वो बोलते हैं, टाइम तब से काउंट होता है या फिर आपकी जो चिप लगी हुई तब से काउंट? चिप लगी हुई है, वहाँ पे एक मेडिकल है, उसको पार करेंगे। जब आप नाइट को क्रॉस करेंगे तब आपका टाइम स्टार्ट होगा। कोई पीछे है तो उससे मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है उससे। अपना दौड़ का बताइए कि मतलब कैसे क्या किया जाए? दौड़ में अच्छा है, बस अपनी कंटिन्यू रखें, रुके ना भी। मतलब 4 राउंड अगर आप पूरे कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि तेज दौड़े हैं। प्रति राउंड की टाइमिंग क्या लेके चलेंगे एवरेज? प्रति राउंड की अपन 1:40 के समथिंग लेके चलेंगे तो आ जाएगी अपनी। नहीं, यहाँ पे 4 राउंड है ना? 4 राउंड है यहाँ। हाँ हाँ, तो आप अपने ग्राउंड की बता रहे हैं। यहाँ पे जो 250 मीटर का ग्राउंड है, 50 से 55 मिनट आई, 50 से 55 अगर एवरेज 1 मिनट है, एवरेज 1 मिनट है तो भी आ जाएगी, क्वालीफाई हो जाएंगे। 4 राउंड है, 4 मिनट है ना। राउंड अपने ध्यान रखना है कि भूल ना जाए कहीं। अच्छा, वहाँ पे राउंड नहीं बोलते? राउंड नहीं बोलते, काफ़ी लीड हो जाती होगी, मिक्स हो जाते हैं पूरे आगे वाले पीछे वाले। अच्छा, तो मतलब अपने राउंड जो है खुद काउंट करने खुद काउंट करने अच्छा अच्छा या
मेरा आपने कितने में क्वालिफाई किया होगा? अभी हमारा टाइमिंग नहीं आई, लगभग मेरी 3:30 में क्वालिफाई होगा। 3:30 सेकंड राउंड नंबर रहा मेरा, आगे से सेकंड नंबर। और थर्ड वाला कितने लीड पे था? थर्ड वाला मुझसे कम से कम 10-20 मीटर पीछे था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सर। आपका तो रिजल्ट भी आ गया ना। आपका नाम? हरीश रावत। हरीश? नरेश रावत। कहाँ से? ग्वालियर से। जी बताइए, आपका तो रिजल्ट आ चुका है, आप बताइए। 3:40 में आइए वैसे हमारे भाई। 3:40 बहुत अच्छा। फिर तो एक्सीलेंट है। वही स्पीड में दौड़े थे ना। तैयारी करते थे क्या? नहीं भैया, अभी पहली बात तो पहला फिजिकल है हमारा, कभी दौड़े भी नहीं है। ग्राउंड में आ रही थी, कितने में आ रही थी उतनी। कितने दिन से कर रहे थे आप? अभी रिजल्ट आया तो 10-15 दिन हो गए थे। बस 10-15 दिन आप कहते हैं इसीलिए, है ना। हाँ हाँ, बताइए कि लोग आएंगे यहाँ पे? ठीक है, वैसे कोई नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट दौड़ती रहे ना, ज्यादा लोग करें ना कम करें, लास्ट में एनर्जी बजा के रखें, लास्ट में खेत तो कोई कम आ रही है तो। वैसे मैंने तो लाइट से लगाए, अभी लास्ट में मैंने कैची भी नहीं, मतलब इसलिए तो ठीक ही कह सकता था, लेकिन मैंने कही सही आ रही है टाइमिंग, तो फिर भी आपकी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। 3:40 में आ रही थी तो रिजल्ट भी आ चुका। सुबह की बजे मेरा 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे बहुत ही बढ़िया। आप भी आ जाइए 5:00 बजे 6:00 बजे आप कहाँ से? मैं दतिया से। हाँ दतिया। दतिया आपका फिजिकल आज ही लगा था? आज 8:00 बजे रिपोर्टिंग टाइम 8:00 बजे का। लाइनअप कितने बजे हुए थे? 7:30 के समय। अच्छा, अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं? स्टाफ स्टाफ जैसा है, बिल्कुल अच्छा है, वो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आप कुछ भूलते भी हो या कुछ आपका डॉक्यूमेंट गिर जाता है तो बता देते हैं, अगर कोई मतलब दिक्कत ही नहीं, फुल सपोर्ट। हाँ, आप पूछ सकते हैं, कितनी बार भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है मना करें, बोले आपको चलना है। अगर बोरी रखने के बाद रेस्ट टाइम मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है, 10-15 मिनट से 10-15 मिनट रिकवरी टाइम काफ़ी है, क्योंकि 200 मीटर है। अच्छा, बोरी उठाने में वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं? खिसकती तो नहीं है? नहीं खिसकती, क्योंकि काफ़ी टेबल पर रखी है, फिर भी उन पर बोरियाँ पे बोरी हैं, तो आराम से उठाने में कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जा रहा, बोरी उठाने के लिए टाइम काफ़ी, आप अच्छे से अच्छा। बोरी में भी वही प्रोसेस होगी जब आप मैट को क्रॉस करेंगे? जैसे आप मतलब मैट को क्रॉस करेंगे उसी टाइम में आपको स्टार्ट हो जाएगा, उधर जैसे समाप्त करेंगे बहुत ही बढ़िया है। और वो ऐसा नहीं है कि जैसे आप रख नहीं पा रहे तो सपोर्ट भी कर देते हैं, जैसे अच्छा अच्छा पकड़ा देते हैं। हाँ, जैसे पकड़ लेते हैं, जैसे कहीं उतारने में दिक्कत होती है तो पकड़ लेते हैं। फिर तो बहुत ही बढ़िया है, स्टाफ मतलब फुल सपोर्ट कर रहा है। और रनिंग में भी वो मैडम वगैरह हैं तो वो भी मतलब बोल देते हैं कि भाई खींच दे स्टेप थोड़ा बढ़ा के चलो। हाँ, जब कोई बोल देता है तो ऑटोमेटिक थोड़ी एनर्जी अंदर से आ जाती है। और फिर रेंट भी लग रहा है 1.5 घंटे वाला, 1.5 घंटे वाला। आपका रिजल्ट अभी नहीं आया? नहीं अभी नहीं आया। अच्छा, आ जाएगा। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से जी बताइए। सही लगा, अभी रिजल्ट तो नहीं आया खैर अपना। अच्छा अच्छा, पहले टाइमिंग क्या थी आपकी? मेरी 4:09 के समथिंग, 4:09 आई थी, 4:12 आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो वहाँ से 5 सेकंड कमी होंगे। हाँ, पर यही है कि एक ही रफ्तार में भागते हैं बस। हाँ, आगे से कितने लड़कों में थे आप? मैं तो मतलब पीछे बहुत, मतलब 15-20 लड़के निकल गए थे, उसके बाद लास्ट में निकला था। अच्छा, लास्ट में क्रॉस किया आपने? एक लड़के को क्रॉस किया था। क्या उम्मीद की जाए? अभी रिजल्ट आएगा तब सही पता चलेगा। फिलहाल आपने अपना 100% दिया, कोशिश तो पूरी करी।